अमृत काल में अपनी विरासत और अपने पूर्वजों पर गर्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले वर्ष देश ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के गौरवमय इतिहास को याद किया तथा उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीर बाल दिवस मनाया कि गुरु साहिब के 6 और 9 साल के छोटे साहिबजादों जिन्हें मुगल हुकूमत ने जिंदा नींवों में चुनवा कर शहीद किया था। सिख गुरुओं के इतिहास और बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीर बाल दिवस अब प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस साल भी इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद करके अनेकों तसीहे दिए गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिए गए। लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा नींवों में चुनवा कर शहीद कर दिया था। सरहिंद में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बयां कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी भारतवर्ष में श्रद्धा और भावना से मनाया था। ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादों के दादाजी 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उसी लाल किले पर मनाया गया जिस लाल किले से गुरु जी की शहादत का फरमान सुनाया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भारतवासियों को बताया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक, जनेऊ और धर्म की आजादी के लिए अपने 3 सेवकों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में बेमिसाल कुर्बानी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही इस बात के धारक रहे हैं कि सिख गुरु साहिबानों की बड़ी कुर्बानियों की जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसी लड़ी में उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया था। ये भी पहली बार हुआ था कि अलग अलग देशों की एम्बेसियों, समस्त भारत के गवर्नरों, मुख्यमंत्रियों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। यही बस नहीं, जिन गुरुद्वारों की सेवा संभाल और दर्शनों के लिए सिख कौम रोजाना अरदास करती थी उस महान कार्य की सेवा भी ईश्वर ने देश के प्रधानमंत्री से करवाई, जिसके चलते करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बना और संगतों को श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री हरमंदर साहिब में FCR की सुविधा शुरू करवाई, जिससे विदेशों में रहने वाले सिखों को अपना दसवंध श्री हरमंदर साहिब पहुंचाने में बड़ी सहूलत मिली। श्री हेमकुंट साहिब जाने वाली संगतों की सहूलत के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिससे श्रद्धालु 3 दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर सकेंगे। 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक नई SIT का गठन करके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। 1980 के काले दौर में ब्लैक लिस्ट जारी कर जिन सिखों को देश आने से रोका गया था उस काली सूची को खत्म करवाया। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने पर सिखों को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो प्रधानमंत्री जी द्वारा एयरफोर्स के हवाई जहाज भेजकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा सिखों को भारत लाया गया।
प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद है कि वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक समागम द्वारा आपने साहिबजादों की महान शहादत के गौरवमय इतिहास की अलग अलग भाषाओं में डिजिटल प्रदर्शनी तैयार करवाकर भारत के 14,92,000 स्कूलों, पेट्रोल पंपों, मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों के साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर द्वारा जगह जगह प्रदर्शित करवाकर संसार भर के लोगों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। ईश्वर आपके